सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम खेलने जा रहे हैं ड्राइविंग एम्पायर रोब्लॉक्स। तो फिलहाल मेरे पास ये है फरारी SF750, मतलब इस गेम के नाम हिसाब से तो इसका नाम है कैवलो SF750। ओके सो ये डीलरशिप होती है इस गेम में। फिलहाल मैं कुछ जगहें बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको इस गेम के बारे में अभी खेलने नहीं वाला, सबसे पहले पूरा बता दूंगा कि क्या कहाँ पर क्या क्या होता है। तो अगर कस्टमाइज करवाना चाहते हो आपकी गाड़ी को, तो ये कस्टमाइजेशन शॉप होता है। हर कार के लिए बहुत कुछ सेम चीज़ें होती है। यहाँ इंजन अपग्रेड है, मेरे पास रेस इंजन है। एस्पिरेशंस होती हैं, यहाँ पर आप सस्पेंशन हाइट कर सकते हो। ये टायर्स है, ड्राइव ड्राइव ट्रेन, एक्चुअली ड्राइव ट्रेन में को करना है, ठीक है, सही वाला डायरा है। बूस्ट अपग्रेड करवा सकते हो, और ये अपीयरेंसेस है, ये आप सब देख ही सकते हो। पुलिस मोड, कुछ कुछ चीजें ना वो पुलिस मोड जैसे ही मान लो आप। यार ये एक प्रॉब्लम पता नहीं सिर्फ मेरे साथ होती है कि आप लोगों को होती है। मैंने कभी इधर उधर की पूरी सिटी एक्सप्लोर नहीं की, तो आज वही कर लेते। मैं जिंदगी में कभी यार इंडिकेटर यूज नहीं किया, आज वीडियो बनाते बनाते। कभी पैसे भी मिलते हैं। ओके गाइस सो ये हम यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ से इधर राइट ले लिया, ये यहाँ पर होती है ड्रैग रेस। चलो एक हम भी करते हैं, अगर हो गई तो मैं आपको ये भी बता दूंगा जीतने वाले को कितने पैसे मिलते हैं। ये देखो मेरे को लगा ही था जो ये तो पहले आया ना, इसलिए इन दोनों की रेस होने वाली है। भाई इस मर्सिडीज वाले से तो नहीं, इस पीले बंदे से कर लूंगा जिसके पास एक शेवी क्रवाटे टी है। इनकी ऐसी की तैसी भाई, हमें पहले घुस जाना चाहिए अब। अरे बैठ यार गाड़ी। इसमें तब तक जब तक ये लोग की रेस होती है तब तक मैं आप लोग को सेटिंग बताता हूँ। ये मोबाइल कस्टमाइजेशन है, जहाँ चलते चलते जो करना है कर सकते हो। यहाँ से आप गाड़ी वाड़ियाँ देख सकते हो। ये होता है क्रिमिनल, पुलिस और सिटीजन। तो जो पुलिस सिर्फ 35 रोबक्स की आती है, बट मेरे पास अभी है नहीं रोबक्स। तो ये तो फीचर, ये शॉप है। प्रीमियम बूस्ट है ना, फ्री बिल्ट, जेल में वेट करना नहीं पड़ता है, तो अच्छा ही। जो ट्रैक पास होता है ना, मतलब जो रेस ट्रैक व्हीकल्स होती है वो अलग उनके पास लगते हैं। सो इसलिए गाइस आप लोग सोचो इतनी देर वेट मत कर, पर मैं ये आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को करना पड़ेगा वेट, वरना मैं इतना वेट नहीं करता। यहाँ पर आपको सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। रेडियो आर से होता है, स्पेस से तो हैंड ब्रेक लगता है, क्यू ई मेरे को समझ नहीं आता यार, क्यू ई से आज तक कुछ नहीं हुआ। देखा, क्यू ई से कुछ नहीं होता। सेटिंग में आपको बाद में एक्सप्लोर करवाऊंगा एंड में। देख लो अब हमारी रेस है। वैसे तो उसने इतनी छोटी कार ली है, वो ट्विटर कोड से आती है। आप अगर आपका ट्विटर नेम डालोगे तो आप इसको फॉलो करोगे ना, तो फिर वो कनेक्ट होके होगा। सुपर वर्सेस जीटीआर, बंदे की कार में दम है यार, अपने से तेज तो नहीं आने दूंगा। शेट, आज समझ पड़ रही है यार कि उस छुटकी कार में इतना दम है कि मुझे भी बीट कर दे। मैं सोचता था ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी सी कार है। अभी तो गाइस मैं ट्विटर अकाउंट मैं भी डालने वाला हूँ फिर, क्योंकि वो कार इतनी तेज तो यार मैंने कभी नहीं देखी। ओके और आप चाहो तो डेस्टिनेशंस पे ये देखो, ये रेसेस और डीलरशिप रहता है। तो अब हम चलेंगे हाईवे रेस पे।
वैसे हाईवे रेस पे कोई नहीं आता है। अबे यार ये बंदा मेरा पीछा क्यों करता है? एक मिनट यार, मैं कभी हाईवे रेस तक की यहाँ तक ऐसे डायरेक्ट पूरा ट्रेवल करके। ओ माय गॉड, ये यहाँ पीछे से है जहाँ से हम ड्रैग रेस गए थे ना, वहां का है। और अब तो मतलब सर्किट रेस तो मैं आप लोग को वहाँ रेस से भी ले जा सकता हूँ, बट मैं लेके आपको यहाँ से जाऊंगा। सो अब देख भी लेंगे हमारी कार की टॉप स्पीड कितनी है, क्योंकि आज तक मैंने कभी इसके चेक नहीं किया टॉप स्पीड। मतलब ये तो थर्ड इंजन लेवल पे है अभी, फोर्थ डालेगा तो पूरा 3 लाख का आएगा वो। सो ये पहुंच जाएगा। अरे भाई भाई भाई, मैंने मैंने ना कुछ सीधा सीधा ले लिया था उसको, बहुत ही लाइट जला देता हूँ। ओके सो सर्किट रेस जाने का रास्ता ये मैं गलत ले आया। वो देखो जैसे ये ब्रिज है ना, ओ शिट 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 शिट, बच गए। एक तो अंधेरा है तो दिखेगा भी नहीं पानी है कि नहीं। यहाँ सीधे जाते रहो, फिर ये यहाँ लेफ्ट आ जाएगा। ओके वो लेफ्ट लिया वहां से। ये सर्किट रेस है। बाकी अब आप बोलो तो मैं एक मैप आप लोग को एक बार आपको सर्किट रेस में भी सर्किट रेस का मैप बता देता हूँ क्या होता है। मैंने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक्चुअली। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग खेलना चालू कर देंगे ये गेम। एक बार मैं पता नहीं कहाँ चला गया था गाइस, मैं उसके बाद ना कभी वापस नहीं आ पाया वहां से, तो इसलिए मेरे को डायरेक्ट स्पॉन होना पड़ा था डीलर से। ये बहुत टफ जगह है, यहाँ पर हमेशा टकरा जाते हो अगर स्पीड में आओगे तो, इसलिए हमेशा कॉर्नर पर चलना है यहाँ पर। अभी जो बैरिकेड्स लगे ना ये सारे के सारे न्यू हैं। ओ शिट शिट, अच्छा है मैं कूद गया। अगर आप ऐसे बीच रेस में गाड़ी को रिस्पॉन करते हो या फिर उतर जाते हो तो आप वहीं के वहीं नॉट एप्लीकेबल या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मेरा कजन 1.5 साल छोटा है मेरे से। मैं खैर 8th में जाने वाला हूँ अभी, कि 7th 8th से चालू हो गया। सो गाइस मेरे से 1.5 साल छोटा है, वो भी ये गेम मेरे साथ खेल चुका है। यहाँ पर चेक पॉइंट रहते हैं, अगर आप उन्हें साइड से कभी मिस करके जाओ तो बोलेंगे मिस चेक पॉइंट और आप आगे के चेक पॉइंट नहीं ले सकते। ये बड़ी खराब बात है इस गेम के बारे में। बहुत ही लंबा चौड़ा मैप है और इस सर्किट रेस मैप के हमें 2 चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना लंबा होता होगा। ये तो सिर्फ तब जब कोई बंदा कॉम्पीट नहीं कर रहा है, वरना सब जब सब रहते हैं ना 2 4 बंदे, मैंने 5 6 लोगों की भी की है और 8 लोग मैक्स की भी कर चुका हूँ मैं एक बार। सो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज चलना पड़ता है उस हिसाब से, बिल्कुल फॉर्मूला सर्किट हो जाती है जब 8 लोग रहते हैं। सो ये थी सर्किट रेस। एंड थैंक यू गाइस आज के वीडियो में बस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये आज का ये इस गेम के ऊपर तो पहला वीडियो है, इसलिए इसलिए ना अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही खेलना चालू करने वाला हूँ। सो बाय 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 गाइस।